नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी किचन पंक्ति में। आज मैं आपके साथ शेयर करने लाई हूँ अपनी आलू और सहजन फली की मसालेदार टमाटर प्याज वाली सूखी सब्जी, जिसे बनाना बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सहजन फली की मसालेदार प्याज वाली सूखी सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 200 ग्राम सहजन फली लिए हैं, जिसे कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और छील कर धोकर साफ कर लिया है। साथ ही मीडियम साइज के 2 आलू लिए हैं, जिसे कि लंबाइयों में इस तरह काटा है। आप अगर इसका छिलका उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, मैंने नहीं निकाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस पे एक कढ़ाई गरम होने के लिए रख ली है। अब इसमें 3 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। गरम होते ही कुछ सामान डालेंगे। मैंने यहाँ 8 से 10 कली लहसुन लिए हैं, जिसे कि बारीक टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही 4 हरी मिर्च ली है, जिसे कि इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। आप मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ 1/4 चम्मच जीरा ली है, 1/4 चम्मच सरसों। सबसे पहले लहसुन को डालेंगे, इसे चलाकर थोड़ा भून लेंगे। जब लहसुन हमारा हल्का गुलाबी कलर आ जाए तब इसमें बाकी के सामान डाल देंगे। जब हमारी सारी चीज़ें भून जाए तब गैस का फ्लेम मीडियम में रख लेंगे और अपना कटा हुआ आलू और सहजन के फली को डाल लेंगे। साथ ही नमक डालेंगे। मैंने यहाँ 1/2 चम्मच लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार लें। साथ ही हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम में रख लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे 10 मिनट बीच बीच में चलाते हुए भूनेंगे। आप हर 2 मिनट में इसे एक बार ज़रूर चलाएं। आप इसे बिना लीड के भी पका सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक लीड लगाऊंगी और बीच बीच में चलाते हुए इसे 10 मिनट भून लूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारी सारी चीज़ें कितने अच्छे से भून गई है। अब इसी समय इसमें अपना कटा हुआ प्याज डालेंगे। आप 10 मिनट इसे बीच बीच में इसी तरह चलाते हुए भूनें, उसके बाद ही प्याज डालें। साइड में इस तरह आलू और सहजन फली को पहले कर लेंगे और इसमें अपना कटा हुआ प्याज डालेंगे। मैंने यहाँ 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसे बारीक टुकड़ों में काट लिया है। इसे डाल देंगे 1 मिनट यहाँ पे भूनने के बाद। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम में रखेंगे और बीच बीच में चलाते हुए 5 से 7 मिनट इसे और भून लेंगे। इससे हमारी प्याज भी अच्छे से भून जाएगी और आलू और सहजन की फली भी भून जाएगी। और 7 मिनट भूनने के बाद देखिए हमारी सारी चीज़ें अच्छे से भून गई है। प्याज भी भून गया है और आलू और सहजन फली में जो बचा हुआ कसर था वो भी ख़त्म हो चुका है। अब इसी समय अपना कटा हुआ टमाटर डालेंगे। मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिसे कि इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसे डाल देंगे, साथ ही नमक डालेंगे 1 छोटा चम्मच। मैंने बाकी सब्जियों में भी डाला हुआ है, इसे टमाटर में जितना ज़रूरत होगा उतना ही डालेंगे। साथ ही जीरा पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच। अब गैस का फ्लेम मीडियम में रख लेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और 5 मिनट इसे बीच बीच में चलाते हुए भून लेंगे टमाटर सॉफ्ट होने तक। थोड़े देर भूनने के बाद देखिए टमाटर हमारी पूरी तरह सॉफ्ट हो गई है। 5 मिनट ही लगते हैं टमाटर गलने में, ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब इसी समय इसमें अपना बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ करके इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है। मेरी सब्ज़ी बनके तैयार है। आप इसे रोटी चावल जिसके साथ भी पसंद करते हैं खा सकते हैं। ये सभी में बहुत अच्छी लगती है। आप घर में एक बार इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं मेरे अगले नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।